हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं दीदोप, करता हूं अभी सब लोग बढ़िया होंगे। ये जिंदा है? तो मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने टाइम से कहां था और गया था तो वापस क्यों आया। तो मैं वो सब बताने वाला हूं कि मैं क्यों गया था और अब वापस क्यों आया हूं और मैं आगे कैसी वीडियोस लाने वाला हूं अगर मैं यूट्यूब कंटिन्यू करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने यूट्यूब छोड़ा ही क्यों था। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो, मैं फ्री फायर मोनेटाइज वीडियोस बनाता था जिनका पहले बहुत क्रेज हुआ करता था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है। और फ्री फायर कम्युनिटी भी धीरे धीरे पूरी खत्म हो चुकी है। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था। और मैं पहले मेरे भाई के फ़ोन से वीडियो बनाता था, मेरे पास फ़ोन नहीं था। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास फ़ोन था ही नहीं, मेरे पास फ़ोन था लेकिन उसमें फ्री फायर तो छोड़ो, व्हाट्सअप इंस्टाग्राम चल जाता था, वही बड़ी बात थी। हाँ, तो मैं मेरे भाई के फ़ोन से वीडियोस बनाता था जिसमें थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स लगते थे। लाइक मतलब वो बाहर चला जाता था तो मुझे अनकम्फर्टेबल टाइम पर फ़ोन मिलता था जिसमें मुझे वीडियोज़ बनानी पड़ती थी, लाइक 12 बजे या फिर सुबह जल्दी उठ के मैं वीडियोज़ बनाता था। और इसी के चलते मैं थोड़ा मतलब मन भी नहीं कर रहा था मेरा कि करूँ मैं इतनी मेहनत करूँ ऐसी चीज़ पर जो ग्रो ही नहीं हो रही है। तो ऐसे ही मैं डिमोटिवेट हो गया था और मैंने सोचा अब मैं बनाऊंगा ही, तो मेरा फ़ोन आएगा जब भी बनाऊंगा। एंड गेस व्हाट, आ चुका है मेरे पास फ़ोन। हाँ, तो जी हाँ, मैंने ले लिया नया फ़ोन जिसकी मैंने सोचा तो था अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन क्या बताऊँ मैं इतना लीजी हूँ कि अब 1 महीना हो चुका है। लेकिन हाँ, मैंने पहले ही वीडियोस रिकॉर्ड कर ली है, क्लिप्स रिकॉर्ड कर ली अनबॉक्सिंग की। तो यस, तुम लोगों को जल्दी अनबॉक्सिंग वीडियो देखने को मिल सकती है। तो अब बात करते हैं अब आगे क्या मैं फ्री फायर कंटिन्यू करने वाला हूँ या नहीं। तो इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। तो देखो, मैं स्टार्टिंग से ही मेरे गोल पर तुम्हें बता देता हूँ मेरा गोल क्या था हमेशा से। तो मुझे हमेशा से एक यूट्यूबर बनना था, ना कि एक फ्री फायर क्रिएटर। ठीक है, फ्री फायर मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि आप कह सकते हो कि मैंने बाकी सारी चीज़ें ट्राई करके देख ली थी, कुछ हो नहीं रहा था। फ्री फायर ही बस एक ऐसा मीन था जिससे मैं थोड़ा रेलेवेंट रह सकता था यूट्यूब पे। लेकिन धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ करा कि मैं फ्री फायर में पूरी तरीके से घुस चुका हूँ, और जो कि मुझे कभी करना ही नहीं था। तो अच्छा ही हुआ कि मैंने ये ब्रेक लिया जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे करना क्या था और मैं करते क्या चला जा रहा था। तो अब से क्या मैं करने वाला हूँ और आगे आप लोगों को कैसी वीडियोज़ देखने को मिलने वाली है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। तो मैं एक ऐसा क्रिएटर बनना चाहता हूँ कि जहाँ पर मेरी ऑडियंस मुझसे कनेक्ट कर पाए, मुझे समझ पाए, मुझे जान पाए, ना कि एक सिर्फ एक गेम तक ही वो सीमित रहें कि बस ये गेम ही है जो है। तो इसीलिए आई डिसाइडेड कि अब मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जहां पे आप उस गेम से ज्यादा मुझसे कनेक्ट कर पाओ। और गेम पर्टिकुलर बताऊं तो सिर्फ वो फ्री फायर नहीं रहने वाला, फ्री फायर रहेगा लेकिन सिर्फ वो नहीं रहेगा। अब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गेम्स भी हम ट्राई करेंगे जिसमें हम लोग खेलेंगे मिलकर, मैं खेलूंगा, आप मुझे देखोगे, इंटरटेन होगे, आप बताओगे, वो सारी चीज़ें मैं गेम में करूंगा, आप जो गेम मुझे बताओगे वो सारे गेम्स में खेलूंगा, ट्राई करूंगा। तो ऐसे ही करके हम दोनों का एक बॉन्ड बनाएंगे जिससे आप लोगों को भी थोड़ा अच्छा कॉन्टेंट मिलेगा और मुझे भी थोड़ा बेटर फील होगा, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे फ्री फायर के मोनेटाइज बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो आई होप अब आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि अब आपको आगे कैसी वीडियोस देखने को मिलेंगी और मैं क्या करने वाला हूँ। एंड अगर आपको कुछ शेयर करना हो या फिर कुछ एडवाइस देनी हो तो बिना डरे आप कमेंट करिए, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा और सबको रिप्लाई दूंगा, क्योंकि अब हमें एक बॉन्ड क्रिएट करना है, एक ऑडियंस बेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग बिना डरे कमेंट करिए, हम लोग अच्छे से बात करेंगे। तो बस यार, इस वीडियो में तो यही था, होपफुली आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा। एंड हाँ यार, भाई 1K करा दो यार, बहुत पास आ चुके हैं हम लोग 1K के, तो थोड़ा सा ही बचा है, मुश्किल से 40 सब्सक्राइबर बचे हैं, तो 1K करा दो, थोड़ी मोटिवेशन आ जाएगी। और हाँ, 1K के बाद मैं शायद फेस रिवील भी कर दूंगा, मतलब फेस कैम वीडियोज भी बनानी है मुझे, तो जल्दी कर दूंगा। तो भाई करा दो यार।